जेकब आबाद में ईदाद अहली सुन्नत की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी 81वां सालाना अजीम शान उर्स मुबारक दरगाह शेख अल इस्लाम नूर मिल्लत सुल्तान औलिया पीर सैयद ईद उल नबी शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक ईदत और एहतराम के साथ मनाया गया। दरगाह शरीफ के ऊपर चादर पोशी की गई। इतिहाद अहले सुन्नत के चेयरमैन काजी शहर सैयद एजाज अली शाह बुखारी, सैयद मजहर अली शाह बुखारी, सैयद ताश शाह बुखारी और दीगर की जानिब से मनाया गया। दरगाह सैयद अल नबी शाह बुखारी में महफिल मिलाद सजाई गई, जिसमें मुल्क के नामवर सना कुआन जोहेब अशरफी ने अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में नातिया कलाम पेश करने की सआदत हासिल की। बाद अज़ां महफिल के मुकर्रर खास जाफर कुरैशी ने दौरान खिताब फरमाया कि मैदान महशर फकत शाफे महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक दिखाने के लिए बर्पा किया जाएगा, वगरना तो अल्लाह तबारक व ताला जिसे चाहता है दुनिया में या कब्रों में ही अमाल की सजा और जजा अता फरमा देता है। वो अपनी सारी कायनात का अकेला मालिक और मुख्तार है। किसी भी मामले में वो किसी का मोहताज नहीं, मगर इसने यही चाहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सबको एक जगह जमा करके अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान शफायत दिखाई जाए। महफिल के इख्तिताम पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम पेश करने के बाद मुल्क और कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ भी की गई और हाजरीन में लंगर मिलाद तकसीम किया गया। रिपोर्ट कर रहे थे नुमाइंदा मीर हसन सोमरू, ग्रेट न्यूज जैकबाबाद।